ठीक है मानव, बने रहे हमारे साथ। हम बाकी संवाददाताओं का रुख करें उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। किसान आंदोलन पर दो मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के सीएम केजरीवाल एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि केजरीवाल ने किसानों के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने किसानों के दिल्ली पहुंचने से पहले नए कृषि कानूनों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कैप्टन सरकार पर आरोप लगाया है कि अमरिंदर सिंह ने ईडी से अपने बेटे को बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सेटिंग कर ली है। केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन ने किसानों को धोखा दिया है। तो देखिए, पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम आपस में इस मसले को लेकर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को धोखा दिया है आपने। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि अब सियासत तो देखिए इस मुद्दे को लेकर जमकर हो रही है। अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां से अपडेट क्या दे सकते हैं और क्या आने वाले वक्त में जो सरकार का मौजूदा रुख है, किसानों का रुख है, उसको देखते हुए कहीं से आसार लग रहे हैं कि गतिरोध खत्म होगा? साथियों, शर्मसार होना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए लोग। देखिए समीर, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स हैं वो इस वक्त सामूहिक, लेकिन उन्होंने गलत व्यक्ति को छेड़ दिया। मंच पर आप देख सकते हैं मिनिस्टर के मुख्यमंत्री हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ बैठे हैं गोपाल राय, वहाँ बैठे हैं आतिशी, वहाँ बैठी है और जितना भी मंत्रिमंडल है दिल्ली सरकार का वो किसान मौजूद है। तमाम एक दिन का सामूहिक उपवास है। दूसरी तरफ तस्वीरें बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर का लॉन है वहां पर आपको कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे। ये सभी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे उपवास पर बैठे हुए हैं। वहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो अपने घर पर ही उपवास कर रहे हैं। हालांकि 4 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के दफ्तर आएंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दरअसल जिस तरीके से किसानों ने साफ कर दिया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को जगह नहीं दी जाएगी, उसके बाद ये तय हुआ कि उनके समर्थन में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो एक दिन का उपवास रखेंगे अपने तमाम मंत्रियों और अपने कार्यकर्ताओं समेत, और वही एक दिन का उपवास इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रखा जा रहा है। जी, आम आदमी पार्टी जो है वो किसानों को समर्थन दे रही है, मुख्यमंत्री खुद उपवास रख रहे हैं, लेकिन जब नए केंद्रीय कृषि कानून अमल में आए थे तो उनको लेकर तो नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने खुद जारी किया था, यही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जारी किया था, यानी तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, अब आपत्ति है। और दूसरी तरफ साफ होता जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सुबह 5 बजे माफ कीजिएगा 10 बजे से 5 बजे तक उपवास रखा हुआ है। तमाम मंत्री भी अरविंद केजरीवाल 4 बजे यहाँ पहुंचेंगे। जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।